असल में नाजिम, मैं हूँ, स्वागत है आप देखें सर सिकिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मूवी सर्स के, मूवी सर्स में बहुत ही अहम टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे। तो सर बात बात करेंगे हम उन सरप्राइज के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर मेहरान साहब ने आवाम को कहा था कि वो देंगे, तो फाइनली वो बहुत ही बड़े और हैरान कन सरप्राइज था जो कि मेहरान खान साहब ने आवाम को भी दिए और अपोजिशन को भी दिए। और आवाम के लिए तो बड़े ही अच्छे सरप्राइजेस थे और अपोजिशन के लिए थे वो बड़े हैरान कन सरप्राइजेस थे। तो उसमें बात करते हैं कि वो क्या सरप्राइज थे जो प्राइम मिनिस्टर मेहरान साहब ने वो जो ऐलान किए थे, तो उसको भी बात करेंगे। और उसके साथ हम बात करेंगे तहरीक मदनमाज के बारे से भी। तो फाइनल जो है वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी साहब ने जो है वो रूलिंग दे दी है और तहरीक मदनमाज को जो है वो डिसमिस कर दिया है। जो फॉरन फंडेड तहरीक मदनमाज थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो फाइनली जो है वो एक समरी जो थी वो भेजी थी असम्बली तैयार करने के वाले से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अली साहब को। डॉक्टर आरिफ अली साहब ने फाइनली जो है वो ये समरी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भेजी थी वो अप्रूव कर दी है। और इसके साथ साथ असम्बलियाँ जो है वो डिजॉल्व हो गई है, नेशनल असेंबली यानी कि डिजॉल्व हो चुकी है। तो उसके साथ बात करेंगे हम, उसके बाद बात करेंगे कि इसके बाद फिर अपोजिशन के बारे में बात करें तो अपोजिशन जो है उसको फैलाना परेशान और एक शौक की क्या करनी है और अभी तक वो शौक से जो है वो निकल नहीं पाई है। तो उसके साथ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरी तौर पर सो तरह का जो वो नोटिस ले लिया हुआ है और इसके ऊपर जो है वो एक 5 रुकनी जो है लाजे बन जो है वो मोस्ट तश्कील दे दिया गया है। तो अब इसके बाद से अब समाप्त होगी। तो उसमें बताते चले कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है पिछले 48 घंटे में बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसके साथ पाकिस्तान का सारा का सारा सियासी मंजरनामा जो है वो एकदम से तब्दील हो चुका हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ऑपोजिशन को दावा दिए कि वो आए और आके हमारा मुकाबला करे इलेक्शन में आके, आवाम का सामना करे इलेक्शन में आके। तो इमरान खान साहब ने एक ओपन चैलेंज दिया है ऑपोजिशन को, देखते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो क्या करती है। लेकिन बताया ऐसा लगा कि ऑपोजिशन जो है वो फौरी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट से जो की है वो हर सूरत में जो है ऑपोजिशन जो है वो असम्बलियाँ जो है वो बहाल करवाना चाहती है। वो क्यों नहीं इलेक्शन में जाना चाहती, तो ये भी एक मामला है। तो इसको भी वाले भी हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ बात करेंगे हम कि अब जो है आगे की जो है वो क्या सूरत है उसके। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसकी हेयरिंग जारी है, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वाले से क्या होता है। और जहां तक बात रही एक और कैरेक्टर का हम डिस्कस करेंगे इस अहम वीडियो में, वो करेंगे हम डोनाल्ड लू साहब का कि डोनाल्ड लू है कौन और डोनाल्ड लू का पाकिस्तान सियासत में और दीगर ममालिक की सियासत में क्या किरदार है। तो इस वाले भी डिस्कशन करेंगे और इंटरनेशनल हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम यूक्रेन और रशिया के वाले से। तो फाइनली यूक्रेन और रशिया के वाले से क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसमें क्या अब चीज़ें जो है सामने आ रही हैं और कौन जो है वो अमन जो है वो कायम नहीं होने देना चाहता है रूस और यूक्रेन के दरमियान में। और जब रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात जो तुर्की में हो रहे थे जब वो नतीजे खेज होने साबित होने वाले थे, तो क्यों किसने और क्या ऐसा क्या वजह हुई कि यूक्रेन ने जो था वो रूस के ऑयल डिपो के ऊपर जो है वो अटैक किया और फिर दोबारा से एक कशीदगी को जो है वो हवा दी। तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सीधा हम नेशनल पर हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इमरान खान के वो सरप्राइज के वाले से जिनका आवाम को शिद्दत से इंतजार था और जिसको जिससे ऑप्शन जो वो शदीद जो थी वो घबरा रही थी। तो फाइनली अब इमरान खान साहब ने जो वो जो अपने सरप्राइज का जो है वो ऐलान कर दिया है। और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने जो है वो कौमी असम्बली में तकरीर के बाद फवाद चौधरी की तकरीर के बाद जो है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने जो है वो मुंबई तौर पर जो है गैर मुल्की फंडेड जो है वो तहरीक मदनमाज जो है उसको मुस्तरद कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ जो है फिर उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अपने सबसे बड़े सरप्राइज का ऐलान किया जिसमें उन्होंने आवाम से खताब किया। आवाम से खताब के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को जो है वो एक समरी भेज रही है असम्बलियाँ तहलील करने वाले से, कौम से तहलील करने वाले से। तो उसके बाद फिर ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था ऑपोजिशन के लिए। तो ऑपोजिशन जो थी वो बहुत ही कह सकते हैं कि सख्ती में आ जाना या बहुत ज़्यादा शौक हो जाना ऑपोजिशन उस शौक में आ गई और ऑपोजिशन को समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसके साथ ही प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने फाइनली जो था फिर वो इमरान खान साहब की प्राइम इमरान खान साहब की जो समरी जो थी उसको अप्रूव कर दिया। और उसके साथ ही जो था ये कौमी असम्बलियाँ जो थी नेशनल जो है पाकिस्तान की वो डिसॉल्व हो गई है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अली साहब ने जो है वो खत लिख दिया है अपोजिशन लीडर को भी और इमरान खान साहब को भी कि वो अपने जो नाम है निगरान वज़ीर के लिए वो तजवीज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अली साहब के खत का जवाब दे दिया है और उन्होंने अपना जो नाम जो है वो निगरान वज़ीर के लिए वो तजवीज़ कर दिया है। वो नाम जो है वो है गुलजार अहमद का जो नाम है उन्होंने निगरान वज़ीर के लिए वो तजवीज़ किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। और अभी जो है वो शिवाज सरकार की तरफ से जो है नाम का इंतजार किया जा रहा है। तो जैसे ये नाम तजवीज़ होते हैं दोनों तरफ से तो फिर उसका जो फाइनल कंसेंसस होता है जिस नाम के ऊपर फिर वो जो नाम उस नाम जिस नाम के ऊपर कंसेंसस हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो कैटर के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने अहदे का जो है वो हलफ उठाएंगे यानी कि निगरान साहब के अहदे का वो हलफ उठाएंगे। तो देखते हैं कि मामला कुछ जाते हैं कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर में भी कैबिनेट ने भी तहलील कर दी हुई है और उसके साथ जो है वो
कैबिनेट सचिव ने भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर जो है वो डी नोटिफाई कर दिया हुआ है। तो अब प्राइम मिनिस्टर से वो आर्टिकल 224 के तहत जो अपने फ्राइज जो है वो अंजाम देंगे, यानी कि आने 15 दिन तक जो है प्राइम मिनिस्टर से जो वो अपने फ्राइज अंजाम दे सकते हैं, जब तक कि निगरान जो है वो अपना हलफ नहीं उठा लेते या वो अपनी सीट पर नहीं आ जाते। तो ये भी देखने बाकी है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर कहेंगे 90 दिनों के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे, नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। और ओपोजिशन को दावा दिया, ओपोजिशन को अपोज चैनल दिया प्राइम मिनिस्टर कि वो आए और आवाम का भी सामना करें और हमें भी हमारे में मुकाबला करें। तो देखते हैं कि और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये चीज़ें हुई तो उसके साथ ही फौरी तौर पर ओपोजिशन पार्टी से थी वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रजू किया, और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अख्तार बंदेल साहब ने भी इस चीज़ का नोटिस दे लिया है। अब देखते हैं कि ये मामला किस हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो ये थी वो ये थी कि ऑपोजिशन जो है वो क्यों जो है वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट चली गई और क्यों जो है वो अब असम्बलियाँ बहाल कर माना जाती है, और क्यों जो है वो हालांकि पहले कहती थी ऑपोजिशन के जी आए अवाम इमरान खान जो है वो अवाम में मुकाबला करे हमारा कि ये करे वो करे, और अब ऑपोजिशन जो है क्यों जो है वो इलेक्शन से घबरा रही है, इलेक्शन से फरार शायद मांग रही है या दूर भाग रही है, और क्यों जो है ऑपोजिशन जो है वो असम्बलियाँ जो है वो बहाल कर माने जो है हल सोचाती है। तो ये भी एक मुहम्मा है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है ऑपोजिशन की। तो इसके साथ साथ बात करेंगे कि अब फाइनली जो है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो किसी सूरत भी जो है वो कहीं भी जो है वो चैलेंज किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं की जा सकती है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की है कि सुप्रीम कोर्ट मसले की जो रूलिंग है वो किसी भी अदालत में जो है वो चैलेंज नहीं की जा सकती। और जहाँ तक बात रही कि ये खतरे वाले तो प्रेम सिंह साहब जो है वो अब उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो मौजूद है, और वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर अदालत रिक्वायर करती है तो वो जरूर उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है फॉरन कॉन्स पॉलिसी के वाले से जो है वो ये जरूर पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम एविडेंसेस का भरपूर जायजा लेगी। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस वाले से क्या फैसला करती है और क्या नतीजा आता है। तो जहाँ तक बात रही कि उस अहम किरदार के वाले से जो कि इस पूरी फॉरेन कॉन्स पॉलिसी का मास्टर माइंड समझा जाता था या इसका एक मेन किरदार समझा जाता था, वो किरदार था वो डोनाल्ड डू है। तो अब ये डोनाल्ड डू साहब हैं कौन और ये क्या करते हैं और इनका क्या किरदार है इस वहीं तौर पर फॉरेन कॉन्स पॉलिसी में। तो उसमें देखें कि बेसिकली ये डोनाल्ड डू साहब जो है वो ये अमेरिकी जो है वो नुमाइंदे हैं एशिया के लिए और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए। तो इनसे इनसे पूछा गया, अमेरिकी सेनेटर ने पूछा इनसे कि आपने एशिया पाकिस्तान और श्रीलंका के वाले से क्या किया है, चाइना श्रीलंका जो है वो चाइना के वाले से क्या किया है, चाइना के तल्लुक के वाले से क्या किया, श्रीलंका के और पाकिस्तान के रूस के तल्लुक के वाले से आपने क्या किया है। तो फिर डोनाल्ड साहब ने जो है वो अमेरिकी सेनेटर को तमाम ब्रीफिंग दी, उन्होंने बताया कि जी मैंने पाकिस्तान में ये चीज़ें की हैं और मैंने श्रीलंका में ये किया है। तो आपको पता होगा कि श्रीलंका में भी इस वक्त जो है वो फुल मुजाहरे जो हैं वो जारी हैं, उस वक्त हुकूमत जो है वो सख्त शदीद यानी कि कैसे मिला, और अब जो कहा इतला दी आ रही कि शायद वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट जो है वो टोपल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है अगर ये इतला सही है तो। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में भी जो है वो आपको पता है कि अब ये तरीके में जो है वो सामने आई, फिर उसके बाद ये चाहिए सामने आई आपके सामने हुई। तो कहने की बात यह है कि अमेरिका जो है वो अब पूरी तरह जो है वो ये चीज़ें कर रहा है, पहले तो छुप के ये काम किया करता था लेकिन अब ये खुलम खुला जो है वह काम जो है सब दुनिया के सामने किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी जो है वो अब जहन में रखनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही कि सबसे अहम चीज़ आपको बताऊँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल इंशाअल्लाह इंतहाई रोशन है, इंतहाई ताबनाक है, इंतहाई शानदार है, और पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो आइंदा 90 दिनों में हो जाएगा जब ये फ्रेश इलेक्शन जो है वो होंगे, और इसमें देखने की बाकी है कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो ये इंतखाबात जीतती है और कौन सी सियासी पार्टी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंतखाबात जो है यानी कि ये जो नए इंतखाबात जो 90 दिनों के अंदर है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ही होने चाहिए, हर सूरत में होने चाहिए, और इंशाअल्लाह और वैसे पाकिस्तानी को भी जो है वो वोटिंग का राइट जो है वो हर सूरत में जो है वो उनको मिलना चाहिए। और ये इंतखाबात इंशाअल्लाह पूरी तो मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरा अमन और शफाफ होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये मामले तो आगे बेहतरीन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह एक तेज़ी के साथ जो है वो एक मजबूत और मुस्तहकम और तरक्की को करती हुई इकोनॉमी के साथ जो है वो आगे बढ़ेगा, और एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत के साथ भी आगे बढ़ेगा आइंदा आने वाले चंद महीनों में। तो इंशाअल्लाह अब चलते हैं इंटरनेशनल बहुत ही अहम टॉपिक है, उसमें बात करेंगे हम यूएस और यूक्रेन की जंग के वाले से। यूएस और यूक्रेन की जंग जो है वो
45 करोड़ से भी ऊपर हो चुके हुए हैं रूस और यूक्रेन की जंग को, और यह जंग जो है अभी भी जारी है। बीच में रूस और यूक्रेन के मुज़ाकर जो थे वो जो 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 कि तुर्की में हो रहे थे वो बहुत ही करीब क्लोज पहुंच गए थे, और वो दोनों जो पार्टीज थी जो थी वो एक माहदे के बिल्कुल करीब पहुँच गई हुई थी, जिसमें दोनों पार्टीज जो थी वो एग्री कर चुकी थी कि दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं वो इंतहाई कम कर देंगी और इंसानी बहरान जो है उसके ऊपर भी कबाने के लिए जो है इकदाम किए जाएंगे। तो जैसे ही ये मामला आपस में पैचअप की तरफ जाने लगे और जब एक माहिदा जो था वो तकरीबन होने लगा रूस और यूक्रेन के दौरान, तो उसी दौरान यूक्रेन ने क्यों फिर रूस के ऑयल डिपो के ऊपर ऑयल जो है उसने अटैक किया, और फिर क्यों जो है दोबारा से एक कशीदगी को हवा दिया है, और रूस ने भी इसको इस हमले को जो है जो कि रूस के ऊपर हुआ है ऑयल डिपो के ऊपर हुआ है उसको दहशतगर्दी का इकदाम करार दिया है और कहा है कि इस हमले का जवाब जो है अब ज़रूर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये दोबारा से कशीदगी को हवा कौन दे रहा है, कौन जो है इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहता, और अब सबके सामने आ चुका हुआ है कि कौन जो है इस जंग को बढ़ावा दे रहा है, कौन जो है इस जंग में मज़ीद तेल फेंक रहा है, तेल छिड़क रहा है इस जंग के अंदर, और कौन जो है इस जंग में जो है वो किस जंग से फ़ायदा कौन उठा रहा है और कौन जो है इसका असल बेनिफिशरी है इस जंग का। तो ये भी अब आवाम जो है पूरी दुनिया को जो है पता चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कौन है जो है दुनिया में जो है वो अमन नहीं चाहता है, और कौन जो है वो दुनिया में जो है वो रजीम जी की पॉलिसी में गामजन है, और कौन जो है वो चीज़ें चार चीज़ें कर रहा है। तो ये सब चीज़ें सामने हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, और खुदा हाफिज़।